दोस्तों, आखिर बिग बॉस ने निमरित कौर और शिव ठाकरे को कन्फेशन रूम में बुलाकर ऐसा क्या बोल दिया कि निमरित और शिव ठाकरे ये कहने लगे कि बिग बॉस आप हमें ये क्या बोल रहे हो। जी हाँ दोस्तों, आप सब बिल्कुल सही सुन रहे हैं। दरअसल दोस्तों, आपको बता दें कि जैसे ही निमरित कौर और घर के सदस्य शिव ठाकरे कन्फेशन रूम में पहुंचे तो बिग बॉस ने इन दोनों से कहा कि मैं तुम्हें घर के सभी सदस्यों में से उस कंटेस्टेंट का नाम बताता हूँ जिसे मैं घर से बाहर निकालना चाहता हूँ, इसलिए आप सभी मिलकर उस कंटेस्टेंट को घर से बाहर निकालने के लिए नॉमिनेट करो। और जैसे ही बिग बॉस उस कंटेस्टेंट का नाम लेते हैं तो शिव ठाकरे और साथ ही साथ निमरित कौर उस कंटेस्टेंट का नाम सुनकर हैरान हो जाती हैं और ये सोचने लग पड़ती हैं कि बिग बॉस आखिर ये क्या बोल रहे हैं, आखिर इस कंटेस्टेंट को बिग बॉस घर से बाहर क्यों निकालना चाहते हैं। आपको बता दें कि उस कंटेस्टेंट का नाम सुनकर आप सब भी हैरान हो जाएंगे, क्योंकि आपको बता दें कि बिग बॉस जिस कंटेस्टेंट का नाम शो से बाहर निकालने के लिए कहते हैं उसके बारे में निमरित और शिव ने कभी सपने में भी नहीं सोचा होगा। आखिर बिग बॉस किस कंटेस्टेंट को घर से बाहर निकालना चाहते हैं, आखिर क्या है पूरी खबर, आखिर बिग बॉस निमरित और शिव को ऐसा कौन सा नाम बताते हैं जिसे वो हमेशा हमेशा घर से बाहर भेजना चाहते हैं, उसके घर भेजना चाहते हैं, चलिए आपको बताते हैं इस वीडियो में। लेकिन इससे पहले आपको बता दें कि बिग बॉस से जुड़ी हर बड़ी खबर के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। जी हां दोस्तों, दरअसल आपको बता दें कि बिग बॉस जैसे ही निमरित और शिव को कन्फेशन रूम में बुलाते हैं तो कन्फेशन रूम में बुलाकर सबसे पहले आपको बता दें कि बिग बॉस इन दोनों से पूछते हैं कि निमरित और शिव इस पूरे घर में सबसे ज्यादा नेगेटिव इंसान कौन है, पूरे घर में ऐसा कौन सा शख्स है जिसे देखकर आप सबको ऐसा लगता है कि वो घर में नेगेटिविटी फैला रहा है। और आपको बता दें कि जिसके बाद निमरित कौर और शिव ठाकरे बिग बॉस से कहते हैं कि बिग बॉस हमें ऐसा लगता है कि अंकित ही वो शख्स है, अंकित वो सदस्य है जो घर में नेगेटिविटी फैला रहा है और जिसे देखकर ऐसा लगता है कि घर में सुस्ती पड़ी हुई है, क्योंकि वो कभी कुछ बोलता ही नहीं है ना ही वो कुछ करता है। वो जैसे ही ये दोनों अंकित का नाम लेते हैं तो उसी वक्त आपको बता दें कि बिग बॉस इन दोनों से कहते हैं कि अंकित क्या इस बार घर से बाहर होने के लिए नॉमिनेट हुआ है, और फिर ये दोनों कहते हैं कि बिग बॉस नहीं, अंकित इस बार घर से बाहर होने के लिए नॉमिनेट नहीं हुआ है। जिसके बाद आपको बता दें कि बिग बॉस कहते हैं कि अगर आप सभी को ऐसा लगता है कि अंकित घर में नहीं रहना चाहिए, अंकित घर में नेगेटिविटी फैला रहा है, तो आप सब मिलकर अंकित को नॉमिनेट क्यों नहीं करते हैं, वो घर में सेफ क्यों है। इतना नहीं, आपको बता दें कि बिग बॉस ये भी कहते हैं कि वो तो इस बार भी घर से बाहर होने के लिए नॉमिनेट नहीं हुआ है। और इतना कुछ कहने के बाद आपको बता दें कि बिग बॉस शिव ठाकरे और निमरित कौर से अंकित को लेकर कहते हैं कि मैं भी चाहता हूं कि जो शख्स इस घर में नेगेटिविटी फैला रहा है, जो शख्स इस घर में कुछ करना नहीं चाहता है, वो हमेशा हमेशा घर से बाहर निकल जाए। इसलिए मैं आप सबसे यही कहना चाहता हूं कि अगर आपको ऐसा लगता है कि कोई शख्स इस घर में नेगेटिविटी फैला रहा है तो आप उस शख्स को घर से बाहर होने के लिए नॉमिनेट कर दो। वहीं साथ ही साथ आपको बता दें कि इस बार जो कंडीशन घर से बाहर होने के लिए नॉमिनेट हुए हैं वो है शालिनी बनोत, टीना दत्ता, साई खान और शिव ठाकरे। इसलिए आपको क्या लगता है कि इस बार इन चारों कंडीशन में से कौन सा कंडीशन इस बार घर से बाहर हो जाएगा, आप हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। और बिग बॉस से जुड़ी हर बड़ी खबर के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।